तो स्वागत है आपका और एक एजुकेशनल वीडियो में। तो आज के उन्होंने देखिए हमारा अर्धवार्षिक का परीक्षा प्रश्न पत्र 2019 का विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं, जो कि सोमवार को यानी आज ही हुआ है, और उसके आंसर की जो है हम आज देखेंगे। ठीक है, इसके आंसर्स देखेंगे हम। तो देखते हैं हमारा, तो इसमें हमारा पहला है सही विकल्प चुन कर लिखे, जिसमें पहला है हमारा पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन परत की स्थिति है तो वो है धरातल से 20 से 35 किमी की ऊंचाई पर। ठीक है, अगला चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो वो होता उत्तराखंड में। ठीक है, तो देखते हैं हमारा दूसरा पन्ना। ठीक है, दूसरे पन्ने पर है हमारा भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो वो गुजरती है हमारे मध्य प्रदेश से। ठीक है, अगला हमारा नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है तो वो करती है डेल्टा और ज्वार नद मुख। ठीक है, ठीक है, अगला हमारा भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला जो राज्य है तो वो है बिहार हमारा। ठीक है, बिहार सबसे गरीबी वाला राज्य है, और ये है इंग्लिश में दिए हुए, तो आप इसे जो है इसे भी नोट कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं। ठीक है, अगला हमारा रिक्त स्थानों की पुष्टि कीजिए, तो जिसमें पहला है हमारा गुप्त वंश के संस्थापक थे, तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त, अरस्तु ने प्रजातंत्र को जो है बहुतों का शासन माना था, ने बंगाल तो लॉर्ड कार्नवालिस ने जो है बंगाल में जमींदारी प्रथा को चलाई थी, महात्मा बुद्ध ने जो है बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और ये रहे हमारे इंग्लिश के। अब देखते हैं सत्य सत्य में आपका जो है पहला है नागरिकों द्वारा प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया निर्वाचन कहलाती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत में निर्वाचन आयोग का कार्यालय मुंबई में है तो ये गलत है, क्योंकि भारत में निर्वाचन आयोग का कार्यालय जो है दिल्ली में है। ठीक है, अगला हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य वस्तु के बदले वस्तु सेवा का प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला हमारा सुंदरी मृग मैग्रोव वन में नहीं पाया जाता, तो ये बिल्कुल गलत आ जाएगा, क्योंकि मैग्रोव वन में जो सुंदरी वन पाया जाता है। अगला हमारा मोहन जोदड़ो ने एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सही जोड़ी पर थोड़ी सी नजर घुमा लेते हैं। कव्वाली के जनक, तो कव्वाली के जनक कहा गया अमीर खुसरो को। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला आ जाएगा अमीर खुसरो। उदयगिरी की गुफाएं, तो उदयगिरी की गुफाएं जो है गुप्त काल में बनाई गई थी, इसलिए गुप्तकालीन। अगला है हमारा दिलबाड़ मंदिर, तो दिलबाड़ मंदिर जो है माउंट आबू में है। ठीक है, अबुल फजल जो है वो आईने अकबरी है। ठीक है, अगला है बहुमत दल का नेता, तो बहुमत दल का नेता जो है प्रधानमंत्री कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अब ये सही जोड़ इंग्लिश में दी हुई है, अपना पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया है हमें, सर्वप्रथम ओजोन छिद्र 1985 में किस क्षेत्र में देखा गया था, तो सर्वप्रथम ओजोन छिद्र 1985 में